क्या आप जानते हैं भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या है भोलेनाथ के जन्म से जुड़ा रहस्य? अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। कहते हैं भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत, तभी तो इन्हें अमर अजर अविनाशी कहा जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको पुराणों में वर्णित भोलेनाथ के जन्म से जुड़े कुछ रोचक बातें। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में खुद को श्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया, जिसका कोई ओर व छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंभों का पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने वराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयासों के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहाँ भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एवं सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत है। इस कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाइयां होने लगी तो वो रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का, इसीलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया है। विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। सिर्फ कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार होते हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं हैं। आशा करती हूँ यह ज्ञानवर्धक बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, और वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।